वही बुढ़ारपुर जिले में 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ हुई बर्बरता के आरोपी के घर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। आपको बता दें कि मासूम बालिका की हत्या के विरोध में शहर की जनता एक दिन पहले ही सड़कों पर उतरी थी और जनता ने आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपी के मकान को तोड़ने की मांग की थी, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए आरोपी के मकान और दुकान पर बुलडोजर चला दिया। विगत दिनों जो नाबालिग बच्ची के साथ एक दुष्कर्म की घटना थी, उसके आरोपी का यहाँ मकान है और नगर निगम ने पाया है कि उन्होंने लगभग 150 स्क्वायर फीट का अतिरिक्त निर्माण किया है। यद्यपि उनका मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुदान से बना है, लेकिन फिर भी जो अतिरिक्त निर्माण है, जो अतिक्रमण करके किया हुआ है, जो बिना अनुमति के है, उसको तोड़ने की कार्रवाई आज यहाँ प्रचलित है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर नगर निगम का पूरा अमला मौजूद है। लगभग 147 स्क्वायर फीट के आसपास, 167 स्क्वायर फीट अतिरिक्त निर्माण इसके तोड़ रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा आरोपी था, आरोपी का जो मकान है प्रतापपुरा में, उसको अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, इसमें तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि सर्वे पहले ही हो चुका था निगम और राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा, तो जो हम अतिक्रमण वाला पार्ट है तकरीबन 167 स्क्वायर फीट के समथिंग आ रहा है, उसको तोड़ने की कार्रवाई पुलिस का अमला हमारा पूरा सुरक्षा की दृष्टि से लगा हुआ है। कंट्रोल से भी इसमें अभी विजिलेंस वगैरह रखा जा रहा है। इसमें एक तो आरोपी का मकान है और जो मैकेनिक की शॉप है आरोपी की, जो कि 2-व्हीलर का काम करता था, पीछे ही है खपरा बना हुआ है, उस पर भी वो अतिक्रमण पाया गया है, उसको भी निस्तनाबूद किया गया है।